तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कहते हैं कि टू मेटल है हम लोगों के पास, मेटल ए और बी। तो ये मेटल ए है और ये एक मेटल बी है। इस पे हमने जो लाइट रेडिएशन डाला 350 नैनोमीटर डाला और ये भी 350 नैनोमीटर डाले, और इसका जो वर्क फंक्शन है 4.8 है और इसका जो वर्क फंक्शन है कम है। मतलब बी जो है फोटो सेंसिटिव है, बी से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम है, इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। तो इसमें से कहते हैं कि किसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो ये एनर्जी फोटोन की आ रही है, इंसिडेंट एनर्जी, आप पढ़े होंगे आइंस्टाइन ने इक्वेशन से, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वाले की। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है, तो इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन या एटलीस्ट इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल फाई। ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले इंसिडेंट एनर्जी मैं निकाल लेता हूँ। इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी अपॉन लैम। एच न्यू यहाँ से तुम देखोगे इंसिडेंट एनर्जी, तो एच न्यू और एच न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैमडा। तो यहाँ से इंसिडेंट एनर्जी जो है, और सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होने के लिए 12 नंबर 440 में मैं डिवाइड कर देता हूँ। लैम्डा जो है वो 350 नैनोमीटर में होता है, तो डायरेक्ट मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। तो ये आ जाएगी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट एनर्जी है। ठीक है, अब ये इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से कंपेयर करो। तो अब इसमें ए में वर्क फंक्शन ज़्यादा है, मतलब नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन मेटल मेटल ए। ए से कोई भी, इस लैम्डा से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉसिबल इन मेटल मेटल बी। तो बी में पॉसिबल है क्योंकि एनर्जी, इंसिडेंट ऑफ एनर्जी इन बी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी, और यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ ए। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, मतलब ये मेटल बी विल इमिट फोटो, मेटल बी विल नॉट इमिट, ये गलत है, दोनों नहीं करेंगे। ए विल नॉट शो फोटो इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन गलत है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।